नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसईबी इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी। गुजराती तकनीक पर बनेगी बिहार की सड़कें। नाबार्ड मेले में बिहारी व्यंजनों ने बिखेरा जलवा। बिहार के सड़कों पर लगेगा नजदीक अस्पताल का साइनेज। भारतीय टीम ने गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया शामिल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसईबी इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी। बीएसईबी के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के विद्यार्थियों की सेंटअप परीक्षा 11 अक्टूबर से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से जारी आदेश के आलोक में डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने संबंधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित विशेष कैंप में बोर्ड से उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र और सामग्री का विद्यालयवार वितरण सीलबंद लिफाफे के माध्यम से आगामी 5 व 6 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार बोर्ड की 2022 की माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले 127 स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए 7 अक्टूबर से 31 नवंबर तक स्पेशल क्लास चलेगी। गुजराती तकनीक पर बनेगी बिहार की सड़कें। बिहार की ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मजबूती के लिए गुजराती तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक को सीखने के लिए मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम गुजरात गई है। इसके साथ ही वहां इस बात की जानकारी तैयार की जा रही है कि बिहार में इस तरह की सड़क का निर्माण कितना संभव है। दरअसल गुजरात के भरूच में तांबा बनने के बाद निकलने वाले अपशिष्ट का इस्तेमाल करके सड़क की निचली सतह को बनाने में किया जा रहा है। इससे सड़क मजबूत होगी और साथ ही इसका खर्च भी अलकतरा के मुताबिक 5% कम पड़ेगा। ऐसी सड़कें लंबी समय तक चलती है। बता दें कि टीम अध्ययन करने के बाद पहले विभाग को और फिर सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार की 5 जिले की सड़कें बनेंगे बेहतर। नवंबर से बिहार के 5 जिलों में सड़कों को बेहतर बनाने का काम शुरू होगा। इन सड़कों को पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति से पिछले दिनों मंजूरी मिली है। इसके तहत किशनगंज, नालंदा, जमुई, गया और वैशाली जिले शामिल हैं। इन जिलों में पथ निर्माण विभाग ने करीब 67 किलोमीटर लंबाई में करीब 74.62 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी दी गई है। इन सड़कों के बनने से सभी 5 जिलों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। इनमें से अधिकतर सड़कों का निर्माण अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। वन कर्मियों की पकड़ से बाहर आदमखोर बाघ। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में सीमावर्ती क्षेत्रों में 17 दिनों बाद भी आदमखोर बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर है। बता दें कि बाघ को अब तक सही से ट्रेस्ट नहीं किया जा सका। बाघ का ट्रेस्ट नहीं मिलने पर वन विभाग को लगा था कि बाघ रिहायशी क्षेत्र से दूर जा रहा है, लेकिन अचानक गुरुवार को दोपहर बाद बाघ फिर से चिहोटा रेंज की तरफ चला गया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का यह आदमखोर बाघ बहुत ही खतरनाक है। इस बाघ ने बीते 9 महीने में 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 2 लोग अभी भी घायल अवस्था में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नाबार्ड मेले में बिहारी व्यंजनों ने बिखेरा जलवा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर भारतीय की थाली में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने की सोच जम्मू में 26 सितंबर से लगे अंतर्राज्यीय उत्पाद प्रदर्शनी सह ग्राम में विक्रय मेला में साकार हो रही है। इस प्रदर्शनी का आयोजन नाबार्ड के द्वारा 2 अक्टूबर तक की गई है। इसमें बिहार समेत देश के कुल 18 राज्यों के स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदर्शनी में बिहार से मात्र औरंगाबाद जिले को प्रतिनिधित्व मिला है। यहाँ का प्रतिनिधित्व मदनपुर की प्रियंका स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कर रही है। संस्थान ने प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित व्यंजनों साबूदाना पापड़, सूजी पापड़, आलू पापड़, चना अदौरी, मूंग दाल की अदौरी, उड़द दाल की अदौरी, आलू की अदौरी, आलू चिप्स, तिसौरी तथा बासमती चावल का चरौरी सहित अन्य खाद्य उत्पादों का स्टॉल लगाया है। बिहार का यह स्टॉल वहाँ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार के सड़कों पर लगेगा नजदीक अस्पताल का साइनेज। पटना में गुरुवार को बिहार सरकार सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जहां परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि बिहार में सड़कों की लंबाई चौड़ाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सड़कें बेहतर होने के कारण गाड़ियों की स्पीड में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे पर स्पीड लिमिट और अन्य सड़क सुरक्षा संकेत संबंधित साइनेज पर्याप्त संख्या में लगाया जाए। इसको लेकर संबंधित विभाग के साथ मिलकर वैसे सड़कों को चिन्हित करें जहां अभी भी साइनेज नहीं है। मंत्री ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों की एक एक कर समीक्षा की और कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।
बिहार में शराबी कहलाए जाएंगे गुंडे। बिहार में शराब पीने वाले शराबी तो कहलाते ही थे, अब वे गुंडे भी कहे जाएंगे। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर और सख्ती बरतते हुए सभी जिलों को पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि मद्य निषेध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ज्यादातर जिलों में कार्रवाई हो रही है, जबकि कुछ जिले कार्रवाई में पिछड़ रहे हैं। भागलपुर SSP बाबूराम का कहना है कि मद्य निषेध को लेकर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। शराब का अवैध कारोबार करने और पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में 1 अक्टूबर से बदले समय पर चलेगी ट्रेनें। भागलपुर रेलखंड की ट्रेनों का समय बदल गया है और इसके रूट को भी विस्तारित किया गया है, साथ ही ठहराव के समय को घटाया गया है। बता दें कि ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव संबंधित नोटिफिकेशन गुरुवार को पूर्व रेलवे ने जारी की है। यह 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। जारी टाइम टेबल के अनुसार अब जमालपुर से सुल्तानगंज देवघर डेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी, वहीं कविगुरु एक्सप्रेस जमालपुर से चलकर सुबह 6:35 बजे भागलपुर आएगी और इसके ठीक 5 मिनट ठहराव के बाद सुबह 6:40 में रवाना हो जाएगी। इस ट्रेन का भागलपुर में 25 मिनट की जगह महज 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की शिकायत सुन एक्शन में दिखे तेजस्वी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा यूजर की शिकायत सुन रहे हैं और उसका तुरंत निवारण भी कर रहे हैं। इस बार एक यूजर ने कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज को लेकर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी। यूजर विष्णु कुमार झा ने ट्विटर पर लिखा है, मैं दरभंगा में ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्हें वास्तव में टीकाकरण केंद्र में आए बिना ही बूस्टर डोज मिल गई। स्वास्थ्य विभाग बिना टीकाकरण के फर्जी रिपोर्ट बनाने की आदत में है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि विष्णु जी, मैंने आपका पूरा पत्र पढ़ा, दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जगदानंद के बयान पर सम्राट और शाहनवाज ने ली चुटकी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन सरकार पर कटाक्ष किया है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के जगदानंद के बयान पर कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं। राज्य सदियों में कौन सी डील हुई है जिसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये जगदानंद सिंह खुद बता रहे हैं। बिहार में राजदियों की डील की सरकार चल रही है। वहीं पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उनका बयान कोई हल्की बात तो हो नहीं सकती, जिसे ओहदे के व्यक्ति ने बयान दिया है इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा। प्रशांत किशोर को मिला निर्दलीय MNC का साथ। भाजपा से अलग होकर स्थानीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में दर्ज कराने वाले इंजीनियर सचिदानंद राय प्रशांत किशोर के साथ मिलकर बिहार के विकास के रणनीति में जुड़ेंगे। बिहार को 15 वर्षों में नंबर 1 के पोजीशन पर ले जाने के संकल्प के साथ इंजीनियर सचिदानंद राय ने प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान किया है। सचिदानंद राय ने कहा कि बिहार भाजपा में कोई नेता नहीं है जिनके नाम पर लोगों को भरोसा हो। MNC इंजीनियर सचिदानंद राय राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जन सुराज के तहत 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होने वाले पदयात्रा में सैकड़ों के साथ शामिल होंगे। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे विजय सिन्हा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद लालू प्रसाद के जिस जंगल राज से बिहार को निकाला गया, उसी लालू प्रसाद की गोद में बैठकर नीतीश कुमार ने बिहार को गुंडा राज में धकेल दिया है। बालू और शराब के चक्कर में अपराधियों का नया वर्ग बिहार में कोहराम मचा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से नरसंहार के दौर के आहट सुनाई देने लगी है। बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है, पूरा बिहार दहशत में है, सीएम नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हर दिन मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। आज यानी शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में खबर आई है कि वे भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अब तक इस रेस में मुख्य रूप से 3 नाम है। इसमें शशि थरूर ने पहले ही कह दिया है कि वे आज नामांकन करेंगे। इसके अलावा अब इस दौड़ में दिग्विजय और खड़गे भी शामिल हो गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर खड़गे नामांकन दाखिल करेंगे तो दिग्विजय से खुद को अलग कर सकते हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है। भारतीय टीम ने गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया शामिल। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने आज यानी शुक्रवार को मोहम्मद सिराज को इंजर्ड जसप्रीत बुमराह की जगह T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। बता दें कि बचे हुए 2 मैचों के लिए सीरीज को बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक आधिकारिक मीडिया रिलीज जारी करते हुए कहा, बुमराह की पीठ में चोट लगी है और वह फिलहाल BCCI की मेडिकल टीम की निगरानी में है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम के मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते आगामी T20 विश्व कप से भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन BCCI ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
देश भर में आए 5000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 3947 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 32 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 92,723 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 54 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, बाबूलाल मरांडी, धनंजय कुमार सिंह, संजय शर्मा, नुनू कुमार, कुलदीप कुमार, पीयूष पटेल, शंकर मुखिया, सदुल्लाह पलवी, मुतुल रंगीला, सुनील कुमार वर्मा, विजय सिंह, अनवर करीम खान, सरिता पासवान, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के सड़कों पर नजदीक अस्पताल का साइनेज लगने से लोगों को कितना लाभ होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।